व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपका दोस्त धर्मजीत सिंह चौहान। तो भाई आज अपन करवाने वाले हैं अपने एनएस पे लेवलेशन, जो कि इस पे बहुत सारे स्क्रैच लग गए, खासकर बैक पैनल पे बहुत सारे स्क्रैच लगे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर लेवलेशन कराया जाए, और ये भैया ने इसे खोल दिया है और पीछे ही करवाना है लेवलेशन, क्योंकि फ्रंट पे यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है और मिनिमम 2800 रुपये मुझे पूरा गाड़ी का लेवलेशन का बता है। पर मैंने सोचा पीछे ही करवा लेते हैं, फिर बाद में करवाएंगे आगे भी। और ये भैया पीछे का जो सपोर्ट का पैनल रहता है वो खोल रहे हैं, और उसके बाद करेंगे फिर इस पर करेंगे लेवलेशन। और थोड़ा इस पर क्रीम लगवाए क्योंकि जो शाइनिंग है वो शाइनिंग चली गई है और थोड़ा हल्का ब्लैक पड़ गया वो, तो इसीलिए इस पर क्रीम लगवा के हम इस पर करवाएंगे लेवलेशन। और उसके बाद जो शाइनिंग आएगी वो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, उसमें दिखाई देगी। फाइनल गाइस, बाइक पर पॉलिश करने के बाद ये भैया करने लगे हैं इस पर लेवलेशन, और इसमें मिनिमम आधा घंटा लगेगा। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को इसमें देखना पड़ता है क्योंकि इसमें बबल आ जाते हैं, और थोड़े से बबल आए तो पूरे जो लेवलेशन है वो पूरा बिगड़ जाता है। और ये भैया करने लगे हैं लेवलेशन। तो हमारा लेवलेशन कंप्लीट हो चुका है और भैया इसकी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ओफरी ओफरी निकला हुआ है इसे कट कर देंगे और पूरा शेप में लेके आएंगे। और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको लास्ट में दिखाई देगा। लेवलेशन करने के बाद भैया फिर से इसकी बाइक की सीट कस रहे हैं, और जो आपको दिखाई दे रहा है सामने ये पन्ने निकालने के बाद जो शाइनिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो फाइनली गाइस, हमारी बाइक पर लेवलेशन होने के बाद ये रिजल्ट आया है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, क्या ही कमाल का दिखाई दे रहा, पूरा शाइनिंग दिखाई दे रहा जैसे नया भी बाइक को लेके आया हूँ। तो कमेंट में बताइएगा गाइस कैसा लग रहा होगा, पूरी बाइक पर करवाने के बाद ये कैसा दिखाई देगा।